since I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अभी टाइम हो चुका है 11 बजे का और हम थोड़े से लेट हो चुके हैं। अभी हर इनके स्कूल में आज है स्पोर्ट्स डे और बच्चों को तो मैंने सुबह ही रेडी करके भेज दिया था। अभी बस बच्चों का जल्दी से मैंने लंच रेडी किया है। लंच में मैंने बर्गर्स बनाया बच्चों के लिए और वह पीछे छोटी सी आयजा है, दूध पी रही है। और हमारे साथ बीहा रिंकी पुप्पो भी जा रही हैं जो कि पीछे बैठी हुई हैं। और दादो भी हर साल जाती होती हैं लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी इसलिए वो आज नहीं आ सकी। तो अब बस कहाँ पे जाने हैं हमने? बड़ी दूर जाना है, बड़ा लंबा सफ़र है। अभी हर रिम के स्कूल वालों ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। स्कूल में तो नहीं किए किए स्टेडियम है हाँ, नवाज शरीफ हॉकी स्टेडियम टाउनशिप लाहौर। तो हम लोग अभी उधर जा रहे हैं। अच्छा जी, फुल धूप का टाइम हुआ हुआ है क्योंकि अभी दोपहर हो रही है। लिंक रोड जो है ना वो थोड़ी सी सुनी सुनी हुई हुई है क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादातर रात को रश शुरू होता है। तो अल्लाह करे अब हमें आगे रश ना मिले और फटाफट से अब हम पहुँच जाएँ। क्या हुआ? इसने मुझे हिट करना था। बस रिक्शे वाले देख के नहीं चलाते ना, बार बार बचे। हाँ, बस ऐसा ही होता है ट्रैफिक लाहौर की, क्या हर जगह पे ऐसे ही ट्रैफिक है जी। ये आ गई है नर्सरी और मेरे हस्बैंड अक्सर यहाँ से पौधे लेकर जाया था घर के लिए। और यहाँ पे ना हर तरह के पौधे होते हैं। फंक्शन लगता है शुरू हो गया है, हम लोग लेट हो गए हैं। बस जल्दी जल्दी अपने लोग जाते हैं। बच्चे हमें देख रहे होंगे कि मामा पापा कहाँ पे रह गए। डेकोरेशन तो इन लोगों ने बहुत अच्छी की हुई है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम पेरेंट्स से कि वो अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं। हम नेशनल एंथम यहां पर परफॉर्म करने लगे हैं तो उसके अदब और एहतराम में आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ खड़े हो जाएं और तमाम बच्चे और तमाम पेरेंट्स हम मिलकर नेशनल एंथम पढ़ेंगे। आंखों के सामने है।
अच्छा जी, अब बच्चों की पीटी स्टार्ट होने वाली है और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए हैं और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। व्हाट अ सिमेट्री, व्हाट अ डेडिकेशन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्मार्ट स्कूल मीट का मुजाहरा करते हुए तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई कीजिए और तालियों में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी आपने। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। They all are here for you guys. They need your... Brilliant performance. अफराद के हाथों में है इकराम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मकबरा। आप सबके सामने पीटी का एक दिलकश मुजाहरा करते हुए। तो मैं बच्चों को पानी वगैरह देने के लिए आई थी और अमीना को मैं पानी दे रही हूँ और अब इन लोगों की ना एरोबिक्स स्टार्ट होने लगी है। अब ये लोग कपड़े वगैरह चेंज कर रही हैं, वो देखे पीछे सारे बच्चे कपड़े चेंज कर रहे हैं क्योंकि ना अब एरोबिक्स की गेम स्टार्ट होगी और उसमें इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो हरीम कहाँ से है, उसको भी पानी खिला दो। अच्छा, अब हरीम कपड़े चेंज कर रही है, वो बाहर आती है ना। और मौसम शुक्र है अल्लाह का कि ना ये देखें बादल हो गए हैं और हल्की हल्की हवा भी चलना शुरू हो गई है। शुक्र है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई थी, धूप बहुत ज़्यादा थी। और आयजा आप क्या कर रहे हो, आयजा इधर देखो, आयजा क्या कर रहे हो, क्या हो? आयजा हरीम को ढूंढ रही है, आयजा को हरीम नहीं मिल रही। इस वक्त बहुत सारे शेप्स अपने कलेक्ट कर चुके हैं। चलेंगे बल्ले बल्ले, एक दिलचस्प मुकाबला आपके सामने है। अच्छा, सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की ना इस तरह नीचे बैठकर वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे ताकि जो पीछे पेरेंट्स बैठे हुए ना उनको ठीक से नज़र आ सके। के साथ भी बनाइए। तो अभी अबीहा की एरोबिक स्टार्ट होने वाली है लेकिन लाइट चली गई है। अबीहा कैसा फील कर रही हो? गुड, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। ये देखें, प्रिंसेस लग रही है मेरी बेटी। और मैं इसको चॉकलेट खिलाने आई हूँ। माओं को फिक्र होती है ना बच्चे कुछ खा लें, तो सुबह से ना इन लोगों ने बस नाश्ता ही किया हुआ है। तो बस अभी जल्दी जल्दी से लाइट आ जाएगी और इन लोगों की एरोबिक स्टार्ट हो जाएगी। अभी है ये क्या चीज़ है? ये हैं जी पॉम पॉम, बहुत ही मज़े के है ना, टीचर ने बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत। अभी तो मैं अबीहा को बर्गर खिलाने के लिए ले आई हूँ क्योंकि ना अबीहा ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था और अबीहा के बाबा जूस ले आए हैं। ये देखें, एक हुई है
और ब्रेक के बाद जो है ना इनकी एरोबिक्स स्टार्ट होंगी, तो मैंने कहा चलो छांव में बैठ के ना आप पहले कुछ खा लो क्योंकि भूख भी लगी हुई है, टाइम भी दोपहर का हो गया है, और पानी शानी पिलाऊं ताकि एनर्जी आए बच्चों के अंदर और बच्चे जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर सके। तो आप अकेले अकेले खा रहे हैं, आपने मुंह पीछे कर लिया, आपने कहा इसमें कैमरा ऑन कर दिया गई है, पकड़े पकड़ा रहा है, अकेले अकेले खा रहे हैं। आ जाइए आप लोग भी खा ले, अभी हम लोग बच्चों को और वो देखिए पीछे ना चेयर वाली गेम हो रही है, म्यूजिकल चेयर गेम जो है ना अभी हो रही है, और मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, मेरा भी बड़ा दिल था पार्टिसिपेट करने का तो मुझे ये नज़र ही नहीं आ रहे थे, मैंने कहा ब्लॉग में ना साथ थोड़ी करना था, ब्लॉग ना बना मेरी इस गेम का तो क्या फायदा। तो जी वहाँ पे सारी ऑडियंस पूरी पहले से दो चेयर्स और काम कर दी जाए और ताकि मुकाबला साथ हो जाए, दो चेयर मजीद काम कर दे, बहुत अफसोस की बात। उफला भूख से ना बुरी हालत हुई भी है और अभी तक स्पोर्ट्स का फंक्शन है ना वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है ना कि बस दिल कर रहा है आगे खाना आए और फटाफट से खा लें, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, सिर्फ एक एक चाय का कप पिया हुआ है, और मैंने जल्दी से सारे कामकाज ख़त्म किए, मैंने कहा हम लेट ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है टाइम पे पहुंच गए थे, अल्लाह का शुक्र है हम लेट नहीं हुए। लेकिन ना अभी ये हालात है कि ना अभी चूहे घोड़े गधे सब दौड़ रहे हैं, बस बहुत भूख लग रही है, अब किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके ना हम खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं, यहाँ पे साथ में रेडी से नाचने मिलते हैं वो खाएंगे। ओहो आप नाचने खाएंगे, नाचने लोग नहीं खाते वो भी रेडी वाले, जाने दे मैंने अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खाना है। ये स्पोर्ट्स में एफर्ट भी लगी है, पैसे भी लगे हैं, थकावट भी हुई है, और मैं खर्चा भी करूँ इनके ऊपर, अल्लाह तेरी शान। पता है आपको बीवी बच्चों पे खर्चा करने से ना अल्लाह ताला ज़्यादा रिज़क में इजाफा करते हैं, ये बात सच है, है ना, तो आप खुल के खर्चा किया करें। चले जी अब हम लोग ना इधर से फ्री होके ना आपको रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो ये जी ये बीहा हरीम को मिले हैं सर्टिफिकेट और बहुत एक्साइटेड हुई हुई है दोनों, वाओ दिखाएं ऐसे करके, वाओ नहीं ऐसे, वाओ माशाल्लाह मुबारक हो बहुत बहुत, मेडल मिलने थे और यहाँ पे देखें सारे बच्चे बहुत ही क्यूट क्यूट आए हुए हैं, सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, गेम्स में और स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया बच्चों ने और बच्चों को जो है ना सर्टिफिकेट मिल गया। आयजा आप क्या कर रहे हो, और यहाँ पे जो आयजा फुल एंजॉय कर रही है आज, आयजा एंजॉय कर रहे हो, मुंह में फिंगर नहीं लो ना। अच्छा जी अब हम आ चुके हैं गोरमे फैसल टाउन, गोरमे का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, इनका खाना भी बहुत यम्मी होता है, और यहाँ पे ना अक्सर डील्स होती हैं और डील्स जो होती हैं वो अच्छी होती हैं और रीज़नेबल प्राइस में होती हैं, तो अब हम लोग जो है ना अब देख रहे हैं कि हमें कौन सी डील मंगवानी चाहिए। हम लोगों ने पाकिस्तानी कोई डील मंगवाई थी, वो आई थिंक 650 की थी या 55 की थी, और उसमें जी बोनलेस हांडी थी, कबाब टिक्के थे और बिरयानी थी, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही मज़े का जो खाना हम लोगों ने इंजॉय किया। अभी हाँ हरीम के बाबा ने चिकन स्टेक मंगवाया था और ये भी बहुत ज़्यादा यम्मी था और बहुत ही मज़ा आया, बहुत डिलीशियस खाना था। तो जी अब हम लोग खाना खा रहे हैं और अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं।
जैसे ही हम लोग खाना खा के बाहर निकले ना, तो हरीम ने कहा मैंने दादाबू के लिए और दादों के लिए ना आइसक्रीम और मिठाई लेनी है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए क्योंकि गोरमे के साथ ही गोरमे बेकरी भी थी। तो अब हम लोग मिठाई वगैरह ली, आइसक्रीम वगैरह ली है और बिल करवा रहे हैं। और घर आते ही जो है ना, हरीम और अबीहा दोनों अपने दादाबू और दादों के लिए मिठाई और आइसक्रीम लेकर आई हैं। माशाल्लाह से बच्चे बहुत प्यार करते हैं अपने दादाबू और दादों को, और दादों और दादाबू भी बहुत प्यार करते हैं। तो जी अब हम लोग घर आ चुके हैं। घर आते ही मगरिब का टाइम हो गया था, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अब मैं सीधा अपने कंबल में आ गई हूँ। और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है ना, बच्चे अलग थके हैं, बच्चे तो बल्कि ज़्यादा थके हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से बच्चे जो थे ना वो प्रैक्टिस में लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा जो है ना, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की बच्चों ने। तो बच्चों को मैं शाबाश दूंगी कि उन लोगों ने, बेचारों ने धूप में खड़े होकर अपने, उनके कलर भी ख़राब हो गए, बीहा का कलर तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो खैर कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन स्कूल वालों ने भी ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की हुई थी और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। एक स्कूल से अलग हट के एक इन्वायरमेंट यानी कि देखने को मिला, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों ने भी किया और हम लोगों ने भी किया। तो बस अभी मैं रेस्ट करने लगी हूँ। तो आज के व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर ही। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।